काली पट्टी बांधकर शिक्षा विभाग मिनिस्ट्रियल कार्मिकों का विरोध प्रदर्शन हुआ है। आपको बता दें, चंपावत जिले में शिक्षा विभाग के मिनिस्ट्रियल कार्मिकों ने एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन नैनीताल के आह्वान में अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। फेडरेशन के जनपद अध्यक्ष नगेंद्र जोशी और महामंत्री जीवन चंद्र ओली का कहना है कि विभाग लंबे समय से कार्मिकों की मांगों को अनसुनी कर दे रहा है, जिससे कई छोटे छोटे प्रकरण लंबित पड़े हुए हैं। इसका खामियाजा कार्मिकों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए विभाग यदि अभी भी उनकी मांगों को अनसुनी करता है तो समस्त कार्मिक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग और सरकार की होगी। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संगठन के जिलाध्यक्ष नगेंद्र कुमार जोशी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने ये विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा जिले के समस्त विद्यालयों के मिनिस्ट्रियल कार्मिकों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर विभाग और उत्तराखंड सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन कुमाऊं मंडल नैनीताल के आह्वान में आज कुमाऊं मंडल के सारे मिनिस्ट्रियल कार्मिक काला फीता बांधकर अपनी विभिन्न मांगों के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम सरकार से और विभाग से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप इन मांगों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इन्हें पूरा करें, अन्यथा हमारे सभी कार्मिक उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विभाग और सरकार की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के कतिपय प्रकरण निदेशालय स्तर पर लंबित हैं और इन प्रकरणों के निस्तारण हेतु कर्मचारी पूर्व से ही चरणबद्ध अपने इन मांगों के समाधान हेतु विभाग से मांग कर रहा था, लेकिन विभागीय अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण कर्मचारियों की मांगें जस की तस होने के कारण आज कर्मचारियों द्वारा काला फीता बांध करके 23 तारीख तक ये कार्यक्रम किया जाना। हम चाहते हैं कि विभाग से ऐसी स्थिति आने से पूर्व ही कर्मचारियों की न्यायचित मांगों का समाधान कर दिया जाए, ताकि किसी प्रकार के उग्र आंदोलन हेतु कर्मचारियों को बाध्य न होना पड़े। हमारी विभाग से इन्हीं मांगों को लेकर के यह यूपी न्यूज 9 के लिए चंपावत से लक्ष्मण सिंह बिस्ट की रिपोर्ट।